24 का चुनाव हो जाए नरेंद्र मोदी के सामने एक बार देख लें। वो अपनी ताकत उसके बाद करेंगे फिर चलेंगे भाजपा दिक्कत है, है। दो, तीन सीटों पर लड़ी थी दो सीट पर जदयू लड़ी थी दोनों सीट जदयू हार गई और बाकी तीन सीट वहां से भाजपा जीत कर आई है सुनिए पूछ दिया नीतीश कुमार क्यों नहीं मकामा जो सीटें है, हैं आप दो सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं और कल मतगणना है मतगणना के पहले प्रत्याशियों के आवास पर यानी उनके घर पे तैयारी शुरू हो गई है जीत का सभी लोग दावा कर रहे हैं लेकिन वही दूसरी तरफ पटना में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है नीतीश कुमार की इसलिए कि बिहार में एक चुनाव खत्म हो नहीं रहे हैं कि दूसरा चुनाव शुरू हो जा रहा है और ऐसे में सरकार की स्थिति अस्थिर है ये बात आप जानते ही हैं साल डेढ़ साल पर सरकारें बदल जा रही हैं तो ऐसे में कितना काम हो पा रहा है डॉक्टर साहब के पास विशेष जानकारी है इसको लेकर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं दो सीटों पर चुनाव खत्म हुए हैं और एक सीट का फिर चुनाव होने जा रहा है क्या लगता है बिहार में सब कुछ सही चल रहा है सरकार के अंदर नहीं सब कुछ सही नहीं चल रहा है इसलिए नहीं चल रहा है कि केवल भाजपा ही बेचैन नहीं है आर सी सिंह चिराग पासवान सबकी बेचैनी बढ़ी हुई है और इतना पॉलिटिकली एक्टिव कुछ तभी होता है या तो सरकार बनाने की संभावना बन जाए या चुनावी मौसम आ जाए देखिए दो चुनाव के उपचुनाव के सीटों पर जो मेहनत लगी है जो ताकत आजमाइश हुई जो जोड़ आजमाइश हुई है इसकी वजह से पूरा का पूरा जो फोकस है वो चुनाव की तरफ हो गया लोगों का और इस वक्त चुनाव अगर हो जाता है इस वक्त अगर सरकार गिरती है या इस वक्त कोई अगर इस तरह का कोलिटर डैमेज होता है तो उसकी भरपाई दोनों तरफ तो से करना संभव हो जाएगा तुरंत इसलिए नीतीश कुमार जहां इन दोनों सीटों पर पहुंचे नहीं जिसकी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं आज आर सिंह ने भी पूछ लिया कि नीतीश कुमार क्यों नहीं गए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे मुकाम मुकामा की जो सीटें हैं मुंगेर की उसमें पांच विधानसभा सीटें हैं दो तीन सीटों पर भाजपा लड़ी थी दो सीट पर जदयू लड़ी थी दोनों सीट जदयू हार गई और बाकी तीन सीट वहाँ से भाजपा जीत कर आई है सूरजगढ़ा वगैरह जीत गए अब बताइए मतलब जब भाजपा वहाँ से जीत कर आई है और यहाँ भाजपा ही एक और सीट पर लड़ रही है अब तो कायदे से फेवरेबल किधर लगा समझिए भारतीय जनता पार्टी तो उस क्षेत्र में मजबूत है इसलिए मजबूत है कि अनंत सिंह महागठबंधन के खिलाफ ललन सिंह जीत गए हवा उनकी पत्नी की थी अब जीत गए तो भारतीय जनता पार्टी का वोट ट्रांसफर हुआ, हुआ। सीट है मुकामा और एक और विधानसभा दो विधानसभा में ललन सिंह पिछड़ गए थे आरजेडी को नीतीश कुमार दबा कर रखना चाहते हैं चौबीस तक चौबीस का चुनाव हो जाए नरेंद्र मोदी के सामने एक बार देख लें वो अपनी ताकत उसके बाद तय करेंगे फिर चलेंगे भाजपा सबका दिक्कत है लेकिन रा, राजद इस गठबंधन में आई है तो उसने अपना शर्त ही यही रखा था कि आपको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा नीतीश ने उसके लिए समय मांगा था होली से पहले आपको बनाना है और आप जिस तरीके से बाकी कर रहे हैं मैंने पैतरा ले रहे हैं पैतरा कैसे ले रहे हैं आपके नेता जो गठबंधन के हैं कभी कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ पलटी मार देंगे कभी भाजपा ऑफर दे रही है कभी आप भाजपा को ऑफर दे रहे कुछ कुछ हो रहा है बीच बीच में और दोनों जगहों पे आप नहीं पहुँचें तेजस्वी यादव से अंतिम समय में सीट तक सीटों का समझौता आपने नहीं किया था मा, उसमें मांझी अलग बयानबाजी कर रहे हैं लग रहा है कि राजद को नीतीश कुमार ठगने की कोशिश कर रहे हैं और जब भी बार बार आ रही है बात की तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएगी तो क्या हो जा रहा है वहाँ चर्चा, चर्चा हो, जा है। हो जा रही है कि गढ़ की दोनों जो द, दल हैं विलय करेंगे नीतीश को एक बड़ी कुर्सी मिलेगी तब नीतीश बनाएंगे तो ये सब कुछ जहां हो रहा है वहां लग रहा है कि नीतीश की मनसा सही नहीं है ऐसे में तेजस्वी यादव कैसे मजबूत हो सकते हैं विधायकों से दो जगहों पर उपचुनाव में ये तो लग रहा है क्लीन एंड फ्लैट की लग रहा है कि दोनों जगह जीत जाएगी राजद कुछ अगर जो हमने विश्लेषण किया है अगर उन उन पेंचों को में नहीं फंसे राजद तो राजा दोनों जगह जीत जाएगी और जीतेगी तो दो विधायक बढ़ेंगे फिर वही समीकरण सामने आएगा कि 116 में इनको केवल और छः विधायकों की आवश्यकता है ऐसे में मांझी के चार विधायक और दो जो एक निर्दलीय और एक ओवैसी के विधायक हैं इनको जोड़ लेते हैं अगर आप तो नीतीश कुमार तो चेकमेट हो जा रहे हैं नीतीश कुमार के विधायकों को फिर तो आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और भाजपा उधर अलग दावा कर ही रही है कि इनकी पार्टी टूटेगी और राजद के संपर्क में तो कई लोग पहले ही से हैं वो इसलिए संपर्क में हैं क्योंकि तो उनको पता है कि पिछले चुनाव में वो हारे हैं भाजपा के और नीतीश गठबंधन की वजह से और उनको पता है हराने वाला वोट कौन था तो वो से अब नेगोशिएट कर रहे हैं मतलब वो भी चाहते हैं कि अगली बार जीते हैं। जीते तेजस्वी के वोट पे जीते हैं तो आप बताइए कि आधा लोग भाजपा बा, के संपर्क में आधा लोग तेजस्वी के संपर्क में पार्टी का कोई नीति नियत समझ में आ नहीं रहा है आप पार्टी अपना रिवें, रिवें एक तरफ करने जा रही है चुनाव कराकर दोनों ने दोनों नेता को हटाएगी अध्यक्षों को और दूसरी तरफ आप देखिए तो विलय की तय चल रही है तो नीतीश ने जो मिक्स्ड सिग्नल्स भेजे हैं इसकी वजह से जदयू बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है और कन्फ्यूजन का स्टेट है और इसकी वजह से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को घाटा होता दिख रहा है तेजस्वी यादव का मुनाफा अब होना शुरू होगा जी तो तेजस्वी यादव के लिए फायदा होगा और नीतीश कुमार के लिए घाटा होगा अगर तेजस्वी दोनों सीटों पर जीत जाते हैं तो ये तेजस्वी के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी गोपालगंज में लंबे समय बाद राजद का खाता खुलेगा और वही मुकामा बैक करेगी नीतीश कुमार के लिए घाटा दूसरी तरफ से ये भी है कि जहां नीतीश दबाव बना रहे हैं बार बार वही तेजस्वी यादव भी चुपचाप परिस्थितियों को भाँप रहे हैं ऐसे में देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में जब चुनावी परिणाम आता है क्या कुछ बदलाव होता है राजद नेता की तरफ से बयानबाजी होना इस पर लाजमी अगर ये वीडियो पसंद आई और बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटीएम नंबर नोट कर ली नाइन